ठगबाज दा इलम तहाया नाज यदई ते रुलना नाया मनुख लवाई भोले आ दिल किते खड़ाई ओ भोले आ दिल किते खड़ाई। दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, सब खैर खैरियत है। तो शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। तो फ्रेंड, मैं पहले तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन बहन भाइयों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी कर दे और मुझे भी कामयाबी दे। तो शुरू करते हैं व्लॉग। अभी हम बैठे थे दुकान पर, चाय का वक्त था, तो उमैर भाई भी ये बैठे हैं, चाय पीने में मसरूफ़ है। तो इधर पर उस्ताद इमरान भी बैठा है। तो वीवर, आज कल मौसम जो है नहायत ही खूबसूरत बन चुका है। रात को सर्दी है, दिन में बहुत अच्छी धूप है, सर्दी तकरीबन ही घट चुकी है। तो अभी ये इमरान भाई हैं, इनका काम यार बहुत कम है। सब भाई इसके लिए दुआ करें कि इसका काम अल्लाह ताला कोई मज़ीद तेज़ कर दे। तो ये जो है मोटरसाइकिलों का मैकेनिक है, वैसे तो इसका काम अच्छा है, कुछ सर्दी की वजह से जो है ना काम में कुछ कमी है। तो आप वीवर से गुजारिश है कि इसके लिए कुछ दुआ करें। तकरीबन टाइम हो चुका है, 3:30 का टाइम हो चुका है, तकरीबन घंटे का हमारा काम है, फिर हम खाली हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना हमारा काम हार्ड है, मुझे तो बहुत हार्ड लगता है, बहुत जो है मेहनत का काम है, लोहे का काम है ये, इस पर बहुत मेहनत होती है। ये शीट आयरन आती है, इसको हम जो है काटते हैं, बनाते हैं, कभी हम डोरियाँ बनाते हैं, कभी बक्से, कभी पेटी वगैरह। तो भैया आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमने एक न्यू माल मंगवाया है, इसका प्रिंट चेक, ये वाला प्रिंट हमने न्यू मंगाया है, इसका प्रिंट चेक करें, इसका और इसका आप कमेंट सेक्शन में बताना ये प्रिंट कैसा है, ये प्रिंट और ये प्रिंट, ये काम कर रहे हैं। मैं आपको भी दिखाओ यार थोड़ा दिया। काम से फारिग हो चुके हैं, तो अभी आए हैं इधर अपने गोदाम पर। तो आज उमैर कह रहा है मैं कुछ आपको गाना सुनाऊंगा, इसने कोई नया याद किया है। तो उमैर कैसे हो, वीवर को हेलो आई तो कर लो, तो सुनाओ यार कौन सा गाना है। ठग ठग बाज दा इलाताया नाज यदई ते रुलना नाया मनुख लवाई भोले आ दिल किते खड़ाए ओ भोले आ दिल किते खड़ाए। हुण क्यों गते दे हाल तुहाया पहले नानी सोच के लाया बरे आचाई भोले आ दिल किते खड़ाए ओ भोले आ दिल किते खड़ाए। तो वीवर इसका आवाज़ कैसी लगी आपको, ये रोज़ जो है ना थोड़ा थोड़ा याद कर कर आता है और कहता है, मुझे डेली कहता है कि भाई उस्ताद जी इसको जो है ना नेट पे लगाएंगे। तो इसकी आवाज़ कैसी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीवर उमैर कुछ कहना चाहता है, इसकी सुनते हैं क्या ना कहना था। जी उमैर, ये कह रहा है कि भाई वीवर को कहो, इसको असल में उर्दू बोलने नहीं आती है, ये कह रहा है कि भाई आप वीवर को कहो कि मेरा भी बहुत शौक है कि मैं यूट्यूब पर वायरल हो जाऊँ। तो वीवर ये कह रहा है मेरा सूट चेक करो कैसा लग रहा है, इसने सूट लिया है, इसका सूट चेक करें, ये ऊपर से लेके नीचे तक, अब वीवर को बताओ ये सूट कहाँ से लिया है। ये लिया डेरे से मैंने, डेरा गाजी खान, दरिया खान, इस्माइल खान है, डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान से। कितने का लिया है ये? 1500 का। ये 1500 का इसने सूट, थोड़ा जोर से बोल यार, 1500 का, 1500 सराकी सराकी दास्ता यार, कोई मसला ही कोई नहीं, 1500 का। किधर कितों की है? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान या इस्माइल खान? समीर खान से। डेरा इस्माइल खान, डेरा समीर खान से। ये वास्कट ये इधर बखर से लिए, बखर से। ये डेरा इस्माइल खान का है सूट, और ये वास्कट जो है इसकी बखर की है। तो और कुछ कहना चाहोगे व्यूअर को? नहीं बस। हैं कोई और सॉन्ग वगैरह? ख़त्म। अच्छा अच्छा, तो व्यूअर
अभी हम चलते हैं बस घर की तरफ, काम भी ख़त्म हो चुका है। तो आज का व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आएंगे। तो मैं दोबारा फिर से कहता हूँ कि जो बहन भाई हमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो कुछ निज़ाम चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ का भी मैं